जिले में मेडिकल कॉलेज के लिए रास्ता साफ हो गया है। सारे विवादों को आराम देते हुए सांसद सुधीर गुप्ता और विधायक दिलीप सिंह परिहार ने मेडिकल कॉलेज के लिए कनावटी और नीमच के बीच खाली पड़ी जमीन को स्वीकृति दे दी है। दो दिन से प्रशासन इस जमीन की नप्ती में लगा हुआ था। अब यह तय माना जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज कनावटी में ही बनेगा। नीमच और कनावटी के बीच बन रहे पीएम आवासीय कॉलोनी के समीप नगर पालिका की करीब 125 बीघा जमीन रिक्त पड़ी है। इसी जमीन पर 20 एकड़ में मेडिकल कॉलेज बनेगा। इसकी घोषणा सांसद सुधीर गुप्ता और नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार ने डाक बंगले पर हुई बैठक में की। सांसद और नीमच विधायक ने कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए हम लंबे समय से जमीन खोज रहे थे। जमीन नीमच के जिला अस्पताल के पास चाहिए थी, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर से कम हो। यह खोज कनावटी के पास आकर खत्म हुई। अब यहाँ 325 करोड़ की लागत से मेडिकल कॉलेज बनेगा। जहाँ जमीन मिली है, इनमें 20 एकड़ जमीन पर मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार होगा। ये बात है, जब जनप्रतिनिधियों ने हमें ये बता दिया था कि आप लेट हो गए हैं और अब मेडिकल कॉलेज की लड़ाई, जो मेडिकल कॉलेज नीमच में लाने की जो मांग है आपकी, इसमें शायद कुछ नहीं हो सकता है, और एक संभावना भी थी, और वहाँ से हमने ये शुरुआत नीमच जागरण मंच ने नीमच जिला प्रेस क्लब के साथियों के साथ नीमच जागरण मंच बनाकर की थी। आज लगभग साल भर हुआ है और इस पूरे साल में नीमच जागरण मंच ने इसको मुकम्मल अमली जामा पहनाने के लिए अपने पूरे साम दाम दंड भेड़ के साथ में नीमच भोपाल, भोपाल दिल्ली को एक किया, और आज ये खुशी का अवसर आया है कि प्रशासन भी अब सक्रिय हुआ है। जनप्रतिनिधि जो पिछले साल भर से हमारे से इस मुद्दे पर बात करने के लिए जो है बच रहे थे, वो आज सामने आकर हमको बुलाकर कह रहे हैं कि अब हम इस ज़मीन के लिए जो है रेडी हैं। तो ये खुशी की बात है, क्योंकि 2 दिसंबर 2019 को जब स्वीकृत हो गया था तो उसके बाद पूरा साल जनप्रतिनिधियों ने निकाल दिया, और इस पूरे समय में इनके आपसी स्थान चयन को लेकर आपसी मनमुटाव चलते रहे। उसमें नीमच जागरण मंच का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ठीक है, कोई एक बड़ी चीज़ आती है तो उसके लिए कई तरह के सुझाव आते हैं, और उन सभी सुझावों पर जो सर्वश्रेष्ठ हो उस चीज़ के लिए, उसकी उस प्रक्रिया में इन सबके मतों का हमने जो है सम्मान किया। तो ऐसी स्थिति में जब आज ये तीसरी चौथी जगह देखी गई है रेवली देवली के बाद में, जो अपना कनावटी वाला, जिस पर अभी सीमांकन भी हुआ है और प्रक्रिया आगे बढ़ी है, अभी हो सकता है कि ये भी फाइनल ना हो, लेकिन हम इस प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, और इस प्रक्रिया में भी यदि अभी कोई दिक्कत आती है तो नीमच जागरण मंच फिर से सड़कों पर आने के लिए तैयार होगा। लेकिन शुरुआती स्तर पर नीमच जागरण मंच के सभी बेसिक जो मूल टीम थी हमारी, उनकी तरफ से और समस्त पत्रकारों की तरफ से मैं जिले वासियों को बधाई देता हूं, और आज उनका धन्यवाद करना चाहूंगा कि अब ये प्रक्रिया जो है शायद स्वतः एक सरलता से आगे बढ़ सकती है। देखिए, अभी प्रशासन और जनप्रतिनिधियों द्वारा जो बात की गई है, इस पर नीमच जागरण मंच की पूरी नज़र है, और नीमच जागरण मंच ने भी इस ज़मीन के बारे में पहले भी सोचा था, और बाद में जब हमसे पूछा गया तो हमने इसकी हामी भरी थी, और ये बताया गया था कि भाई सीमांकन इसका हो जाए। हम स्टेप बाय स्टेप इस पर नज़र रख रहे हैं। अभी ये जगह ठीक लग रही है, लेकिन क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज के साथ में और भी चीज़ें आती है, कोई स्पेशलिटी हॉस्पिटल आता, ये आता, तो उसके लिए 20 बीघा सामने वाली ज़मीन को भी आरक्षण करवाने के लिए मैंने अभी सुझाव दिया था, जो सांसद जी ने और विधायक जी ने भी माना है उसको, और उस सुझाव के तहत ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन आरक्षित करने की कोशिश की जा रही है, और साथ में अभी और भी जो श्रेष्ठ हो सकता है उसके लिए प्रक्रिया चल रही है। प्रशासन भी अपने स्तर पर कार्रवाई कर रहा है, और नीमच जागरण मंच की टीम भी लगी हुई है। नहीं, शहर के अधिकांश निवासियों का सजेशंस था कि ये मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से लिंक कॉलेज है। भारत सरकार ने मेडिकल कॉलेजों को लेकर समय समय पर अपनी योजनाओं को लेकर गाइडलाइनें जारी की है, और ये जो गाइडलाइन थी इसमें इस डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को लिंक किया, ये पहली बार देश में नया प्रयोग था, और बजटीय इसका स्ट्रक्चर भी बड़ा था, 325 करोड़ रुपए लिंक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के अलावा था। उसमें क्राइटेरिया था कि दूरी न्यूनतम होनी चाहिए, मैक्सिमम 10 किलोमीटर्स होनी चाहिए। चूँकि प्रथम चरण में जो ज़मीन हमारे पास रिजर्व है अभी, वह एयर स्क्रिप्ट के पास में है, लेकिन शहर के निवासियों की इच्छाएं थी कि ज़मीन थोड़ी और निकट आए, तो उसको ढूंढने की प्रक्रियाएं चली। 2-4 जगह ज़मीनों को देखा गया, वो सूट हुई नहीं हुई, PIU ने पसंद किया नहीं किया, नॉर्म्स के अनुरूप थी नहीं थी, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आकर खड़े थे। लेकिन सबसे बड़ी शर्त थी कि जो लैंड है वह मिनिमम जो उसका सेकेंड पार्ट है, पहला हिस्सा तो उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल माना गया है, और दूसरा हिस्सा उसका जो लैंड का होना चाहिए वो 20 एकड़ से कम नहीं होना चाहिए।
इसलिए 20 एकड़ जमीन की तलाश जारी थी, लेकिन ये तलाश का क्रम हमारा माननीय विधायक दिलीप सिंह जी और जिला कलेक्टर और प्रशासन के प्रयास से सार्थक होने के करीब पहुंचा है। आज मैंने भी उस भूमि का निरीक्षण किया है, देखा है, मन को अच्छा लगा कि शहर के बिल्कुल निकट ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास 24 एकड़ जमीन और वह खाली पड़ी है, जो प्रधानमंत्री आवास बने हुए हैं भारत सरकार के उन आवासों के बिल्कुल निकट लगती हुई ज़मीन है। इससे शहरवासियों के मन में भी प्रसन्नता रहेगी और जो बच्चे कॉलेज में नियमित प्रवेश पाकर अध्ययनशील रहेंगे उनको अपने कोर्स के पार्ट के रूप में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जाने आने का क्रम बना रहेगा, तो ऐसा फैकल्टीज़ को भी और बच्चों को भी कम असुविधा हो और शहर के निवासियों को भी इसका सार्थक सदुपयोग हो सके, इसलिए हमने अपनी ओर से अनुशंसित किया, विधायक जी ने इसको प्रमोट किया है और जिला प्रशासन से हमारा आग्रह रहा है, उन्होंने भी PIU से इसका निरीक्षण परीक्षण करवा लिया है, जिला प्रशासन भी इसको अनुमोदना के लिए स्टेट की ओर फॉरवर्ड करने के मूड में आया है। तो मैंने भी ये बात जनता से इसीलिए करना चाहिए कि चयन के क्रम में अगर जन सामान्य के मन में ये ज़मीन अच्छी उपयुक्त लगती है तो हम इसको ताकत से आगे बढ़ाने की प्रक्रिया में हिस्सेदार बनेंगे। इसको लेकर जो विषय चल रहा था, पूर्व में ज़मीन रिजर्व थी, उसके बाद हमने निकट ज़मीन देखने के लिए आज हम गए थे सांसद महोदय, जिलाधीश और हम कुछ कार्यकर्ता, और हमने वो जो ज़मीन तय की है वो प्रधानमंत्री आवास के पास में है और वो ज़मीन हमने उपयुक्त तो मानी है और उसकी फाइल हमने आगे बढ़ाई है और जिलाधीश से कहा है उस ज़मीन पे रिजर्व करें। उसके अलावा उसके सामने जो ज़मीन है वो भी नगरपालिका की ज़मीन है जहाँ टिंचिंग ग्राउंड बना रखा था, हमने उसको CMO से और नगरपालिका कलेक्टर साहब से कह के CMO के द्वारा उसको साफ कराया है, उसके पीछे भी नगरपालिका के खेत पड़े हैं, तो हमने अभी जिलाधीश से कहा है कि अगर ज़मीन में और भी कोई प्रोजेक्ट आएंगे तो उसको भी अभी से रिजर्व कर ले और उस ज़मीन की भी पूरी नप्ती उप्ती करके मॉनिटरिंग करके उसको रिजर्व रख ले, जिससे कि आने वाले समय में कोई तकलीफ नहीं आए और लोगों को सुविधाएँ मिल सके। प्रधानमंत्री आवास जहाँ बने हैं उन लोगों को हम रिजर्व किया ही है, उसके पीछे भी ज़मीन है और आने वाले समय में हम ये बात करेंगे कि यदि कोई नई योजना आती है तो अन्य जगह प्रधानमंत्री आवास बने।